तरक्की करे अल्लाह ताला आपकी, आगे बढ़ो ऐसे कार्य करते रहो। मैं नेत्रा सौरभ, मैं गरिमा फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और नेस्ट से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग ने यहाँ पे ये जो फ्रिज रखा है उसके पीछे हमारी ये भावना है कि कोई भी भूखा ना रह जाए, ना ओनली गरीब बट वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख के, कोई भी बुढ़ा आदमी हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, कोई भी बुढ़ा आदमी हो, या तो एक महिला है जो काम से घर जा रही है, बहुत देर हो चुकी है, अपने लिए खाना लेके जा सकती है। तो मैं सारे सिटीजन्स को ये अपील कर रही हूँ कि आप अपने घर में दो रोटी ज़्यादा बनाइएगा, थोड़ी सब्जी ज़्यादा बनाइएगा, रोज कुछ ना कुछ ये फ्रिज में रख दीजिएगा। धन्यवाद। पासवान अदब का ये इनिशिएटिव है टू इंस्टॉल अ कम्युनिटी फ्रिज, जिसकी वजह से इनका मोटो ये है कि कोई भी भूखा नहीं सोए। तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया नेत्रा जी ने, थोड़ा सा खाना ज़्यादा बना लें, इस फ्रिज में ला करके रखें ताकि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ खाना रहे। कुछ होटल्स के लोग भी जिनका खाना बच जाता है या ज़्यादा बन जाता है तो वहाँ इस फ्रिज में आ जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है खाने की, दे आर हंग्री। अभी लॉकडाउन की वजह से जॉब्स ख़त्म हो गए हैं तो एक मैसिव लेवल पर थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट ये सब कुछ है, तो उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है, एटलीस्ट उनको खाने के लिए मिल जाएगा। देखिए, जीवन का जो असल है वो सेवा है, इंसान की सेवा, इंसान की खिदमत, ये जीवन का मूल है। और मैं समझता हूँ कि हम लोग अगरचे अलग अलग जगहों पर रहें, अलग अलग विभागों में रहें, अलग अलग स्फीयर्स में काम करें लाइफ के, लेकिन ये जज्बा जो है, ये कमिटमेंट जो है वो हमेशा रहना चाहिए। तो अगर आप पूछें कब तक, तो मैं कहूँगा जब तक आँख खुली है तब तक। बहरहाल कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पे पासबान अदब और भरत जी और उनकी फैमिली, उनके कोलेब्रेशन से आज जो ये कम्युनिटी फ्रिज यहाँ इनोग्रेट किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि आज भी समाज में, और ये बदकिस्मती की बात मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता है। आदमी भूखा तो सो सकता है लेकिन अपनी इज्जत बचा के रखना चाहता है, वो मांगने नहीं जाते किसी के सामने, हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं। अगर आप धर्म ग्रंथों में पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि वो लोग जो कि तुमसे लिपट लिपट के नहीं मांगते लेकिन उनके चेहरे से तुम पहचान जाते हो कि उनको ज़रूरत है, उनकी मदद क्या करो। तो ऐसे बहुत सारे लोग समाज में हैं जो मांगना नहीं चाहते लेकिन भूखे हैं, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोफेशनली फूड सर्विसेज सप्लाई करते हैं, खाना, रेस्टोरेंट होंगे, होटल्स होंगे, ऐसी चीज़ें होंगे, और हम देखते हैं कि हर जगह पे खाना बचता है और वो खाना फिर किसी काम का नहीं रहता, वो फेंका जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। अगर यही खाना वक्त रहते हुए अच्छे कंडीशन में भूखों तक पहुँच जाए, मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सबका फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा है। और इसीलिए ये हम लोगों ने आज ये सिस्टम यहाँ पे शुरू किया, इसको हम लोग फैसिलिटेटर हैं बेसिकली। जिस फिर कोई यहाँ पर कोई और भी लोग खाना यहाँ पर लाके डाल सकता है आपके फ्रिज? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो इसको कम्युनिटी फ्रिज कहते हैं, कोई भी लाके डाल सकता है, कोई भी निकाल के खा सकता है। ये आपने सदन में लिया, शिवाजी नगर, गोंडी, ऐसे कई इलाकों में आपने सोची ये बात? जी, अभी तो यहाँ से शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग और जगहों पे पहुँचेंगे। देखिए, लोगों की खिदमत का, इंसान की खिदमत का जो स्फीयर है वो कहीं लिमिटेड नहीं किसी एरिया तक। अगर आप बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी रोड पे सोते हुए लोग मिलेंगे आपको, वहाँ पे भी भूखे प्यासे लोग मिलेंगे। और बदकिस्मती से दुनिया जिस हालत से अभी गुजर रही है, इस कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों को रोज़ी रोज़गार पर असर हुआ है, बहुत सारे लोगों की इनकम लेवल अब वो नहीं रही जो कि इसके पहले हुआ करती थी, आप खुद देख रहे हैं। तो उसके कारण भूख से जो लोग ग्रसित हैं, जो लोग भूखे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनकी संख्या भी समाज में काफ़ी है। और हम लोग ये चाहते हैं कि विदाउट एनी शेम, डिग्निटी को मेंटेन किए हुए, उनको जो एक्सेस फूड है जो लोग फेंक देते हैं, बर्बाद हो जाता है, वो ज़रूरतमंद तक पहुँचे, इसी कोशिश से आज ये भरत जी की फैमिली
और पासवान यादव ने यहाँ पर ये कम्युनिटी फ्रिज स्टार्ट किया। हाँ भाई साहब, दुआ आशीर्वाद ले रहे भाई, ऐसे इंसान होना चाहिए, सबका मंगल। वही बोलता हूँ, तरक्की करे अल्लाह ताला आपकी, आगे बढ़ो, ऐसे कार्य करते रहो। खाना भी चाहिए, राशन भी चाहिए पूरा महीने का। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा एक लड़का था जो मुझे संभालता था, उसका इंतकाल हो गया, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। मैं साटे नगर रहती हूँ, मानपुर। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।